राजेश चंदानी के ऊपर मुकदमा है, गुप्ता वाले मैटर में उनके ऊपर मुकदमा चला अंदर नहीं जाएंगे लोग। जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ और कोतवाल साहब व्यक्तिगत रूप से लेके पर्सनली हमको हटा रहे हैं, केवल व्यक्तिगत। और उस दिन भी आपने देखा होगा टॉमसन पोलिंग पे 400-500 वोट की बेईमानी हुई है, और जब हमने इनसे कहा तो फिर उस दिन हमारे साथ जबरदस्ती किए। आज फिर हम वीडियो क्लिप दे देंगे, हमें ऑडियो में कुछ दिन पहले इनके द्वारा धमकाया भी गया था, और आज फिर लगातार उधर से बुला के कान में इनसे कोई कुछ कहा और तुरंत फिर दूसरे प्रत्याशी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, और तुरंत मुझे हटाना शुरू कर दिया। क्या कह के हटाया जा रहा है? कारण क्या बता रहे हैं? कि मुकदमा है तुम्हारे ऊपर, किसी मुकदमे में सजा नहीं, सारे मुकदमे हमारे बरी हो चुके हैं। किसके प्रत्याशी हैं आप, किस पद के लिए? और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर भी मुकदमा है। आप कहाँ के प्रत्याशी हैं आप? अरे हम निर्दल प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी हम चुनाव लड़े थे, 2012 में हम चेयरमैन थे, आज हमारी बीबी चुनाव लड़ रही हैं। 2006 का मामला है, मैं चुनाव लड़ा था और उस समय गिनती हो जाती तो 70% में मैं था और 30% में सारी पार्टियां सारे लोग थे। अगर आपके पास मुकदमा कहा है, क्या हटाया जा रहा है? उस समय साइलेंट बूथ कैप्चरिंग का नाम दे के चुनाव निरस्त करा दिया गया। अब आज स्थिति यह है कि 8:30 बज रहे हैं, जब मैं एजेंट बना हूँ, मेरा प्रवेश पत्र बना हुआ है और मुझे सारी चीजें, मैं अंदर बैठा था, केवल व्यक्तिगत मुझे हटाया जा रहा है कि निर्मल को हटाओ, मेरा सबसे पहले जारी कर दिया गया। इसी में कम 100 लोग के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के ऊपर, वहीं बगल के गुप्ता जी हैं, उन्होंने मुकदमा किया हुआ है, लेकिन उनको नहीं हटा रहे हैं, केवल पर्सनली हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और इसकी शिकायत बेईमानी होती है, कुछ होता है तो यहाँ जिम्मेदारी कोतवाल साहब की हो। किसकी, किसी से शिकायत किया इसकी आपने? इसकी शिकायत भैया अभी तो तुरंत हमको हटा रहे हैं, इसकी शिकायत हम आर ओ साहब से भी बात करेंगे, डीएम साहब से भी बात करेंगे कि पर्सनली मेरे साथ ही क्यों। भैया क्या मामला है, क्या मामला है? देखिए आज 8:30 बज रहे हैं और मैं गिनती के लिए यहाँ गल्ला मंडी में, आज जो स्थान हम लोगों को दिया गया है गल्ला मंडी में, यहाँ पर हम आए थे और हमारी पत्नी संध्या श्रीवास्तव जी चुनाव लड़ रही हैं और उन्हीं के एजेंट हम बने थे और बाकायदा हमारा पास जारी हुआ है, और ये पास भी देख लीजिए, ये पास भी अध्यक्ष के रूप में उनके लिए बनाया गया था। और अब आज यहाँ के सिटी कोतवाल साहब आपके कह रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमे हैं, ये दो हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं लेकिन किसी में हमको सजा नहीं हुई है, और कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए। हमने कहा कि सारे प्रत्याशी हैं और क्या मुकदमे हैं तो पहले हमारा क्यों कार्ड बनाया गया, सारी चीज़ें हैं और मुकदमे यहाँ लगना तो बहुत आम बात है, यहाँ तो राजनीति आप कर रहे हो तो लगातार नाजायज मुकदमा यही लोग हमारे खिलाफ आप देखे होंगे। यहाँ रोकने का क्या कारण लग रहा है? देखिए ये सब जबरदस्ती कर रहे हैं और ये लगातार मेरे साथ हो रहा है, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा आपको। कोतवाल साहब ने पिछली चुनाव में भी मुझे लगातार धमकी दी है और आज भी जब मैं सुबह 8:30 बजे गल्ला मंडी आया हूँ, मैं चुपचाप बैठा था और अध्यक्ष प्रत्याशी भी थे लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा गया, मुझे स्पेशली उंगली दिखाकर बुलाया जा रहा है कि इधर आइए और आप निकलिए बाहर, और फिर जबरदस्ती वो जाके आर ओ साहब से के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इनको किसी तरह बाहर निकालिए, तो इस तरीके से जबरदस्ती हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि गिनती, चूँकि 2006 में आपने देखा है कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हम लोग चुनाव लड़े लेकिन साइलेंट बूथ कैप्चरिंग का नाम देके चुनाव निरस्त करा दिया गया। क्या इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार मैं हाई कोर्ट से, पिछली बार भी मैंने और इस बार भी मैंने हाई कोर्ट से रीट फाइल करके एक आदेश लाया हुआ है कि चुनाव सीसीसी कैमरा लगा के देखा जाएगा और सारी चीजें निष्पक्ष रूप से होंगी, लेकिन सिटी कोतवाल साहब जिस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं और जिस तरीके से मेरे ऊपर दबाव बना के और मुझे वहां से निकाला गया है, क्या और भी
प्रत्याशी वहाँ पर हैं? सारे प्रत्याशी हैं, किसी को नहीं निकाला गया। व्यक्तिगत पता नहीं क्यों व्यक्तिगत हर जगह वो मेरे ऊपर प्रतिष्ठा लगा के मुझे ही निकाल देते। पत्नी किस पद पे लड़ रही है? पत्नी हमारी अध्यक्ष के पद से चुनाव लड़ रही है। हम लोगों का चुनाव चिन्ह यही गोंडा नगर पालिका परिषद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।